हेलो फ्रेंड्स डेनी क्लासेज में आपका स्वागत है दोस्तों सीटी क्लास 16 आज आपके होने वाली है जिसमें हम हिंदी इंग्लिश जी के करंट अफेयर सारा सब कुछ कवर करते हुए चलेंगे आज की क्लास भी आपके कुछ अच्छे क्वेश्चंस रहेंगे लेवल वाले प्रश्न रहेंगे और जल्द ही दोस्तों आपकी मैराथन क्लास भी आने वाली है जिसमें हम ढाई प्रश्न कवर करते हुए चलेंगे हिंदी इंग्लिश जी करंट अफेयर साइंस सारा सब कुछ हम उसमें कवर करेंगे और उन ढाई सौ प्रश्नों को अगर आपने अच्छे से कवर कर लिया ये सारा सब कुछ आपके अच्छे से हो जाएगा एग्जाम में सीधे सीधे आपको वहां से प्रश्न देखने को मिलेंगे तो इन ढाई सौ प्रश्नों को आपको अच्छे से कवर करना है जल्द ही आपकी मेराथन क्लास भी आने वाली है तो चलिए दोस्तों आज की क्लास हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न है सेनापति सिंघवी अखेराज की बीस खंबों की छतरी का निर्माण किसने करवाया था इनकी जो बीस खम्भों की छतरी है वो सन सिटी जोधपुर में बनी हुई है निर्माण किसने करवाया था तो हम बात करेंगे जोधपुर के महाराजा भीम सिंह जी ने इसका निर्माण करवाया था अखेराज राज सिंहवी की छतरी का निर्माण जोधपुर के महाराजा भीम सिंह जी ने करवाया था ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा एक ऑप्शन सेकंड देर का महाराजा अजीत सिंह जी ध्यान रखना यहाँ से एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है ये अजीत सिंह जी हैं इन्होंने दुर्गादास राठौड़ जिनको इनको शासन दिलाने में काफी सहायता की थी और आगे चलकर दुर्गादास राठौड़ को ही अपने राज्य से निष्कासित कर देते हैं इसलिए गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने अजीत सिंह को कान का कच्चा कहा है यह आपको ध्यान रखना है कई बार एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता है अगला प्रश्न है कि दूध तलाई झील कहाँ स्थित है दूध तलाई झील राजस्थान के किस जिले में स्थित है दूध तलाई झील राजस्थान के उदयपुर जिले में स्थित है राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर में दूध तलाई स्थित है उदयपुर जिसको पंद्रह में महाराणा उदय सिंह ने बसाया था जो गिरवा के कारण सुरक्षित है उदयपुर का चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ क्षेत्र गिरवा कहलाता है और यह क्षेत्र है ये जो तश्तरी नुमा है आपको ध्यान रखना है उदयपुर में आपको सहेलियों की बाड़ी और वेदनाथ मंदिर भी देखने को मिलेगा सहेलियों की बाड़ी और वेदनाथ मंदिर का निर्माण संग्राम सिंह सेकेंड ने करवाया था ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है पिछोला झील भी उदयपुर में ही है जय झील भी उदयपुर में ही है तो ये कुछ प्रश्न हैं जो बार बार रिपीटेड होते हैं बार बार पूछे जाते हैं देखो दूध तलाई झील पूछे उदयपुर में है दूध बावड़ी पूछे तो हमारा उत्तर सिरोही होगा दूध बावड़ी कहाँ है राजस्थान के सिरोही ज़िले में दूध बावड़ी है जहाँ राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी भी है जिसे राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर भी यहाँ है जिसकी ऊंचाई सत्रह सौ बाईस मीटर है जिसको कर्नल जेम्स टोड ने संतों का शिखर कहा है अगला है कि इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता कौन थे आपको बताना है कि इंदिरा गांधी जो नहर है उसके प्रणेता कौन थे और ये प्रश्न भी इंपॉर्टेंट है एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है तो हम बात करेंगे श्री कंवर सेन इंदिरा गांधी नहर के प्रणेता थे श्री कंवर सेन ऑप्शन स इसका सही उत्तर हो जाएगा श्री कंवर सेन हमारा सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है फतेह फतेह उद्घोष किस नृत्य में बोला जाता है फतह फतह उद्घोष हम किस नृत्य में बोलते हैं तो फतेह फतेह उद्घोष तो अग्नि नृत्य में बोला जाता है बीकानेर का काफी प्रसिद्ध है जसनाती संप्रदाय का अग्नि नृत्य जिसमें फतेह फतेह बोला जाता है तो ऑप्शन ब सही उत्तर हो जाएगा अग्नि नृत्य हमारा इसका सही उत्तर होगा अगला प्रश्न है कि लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है वैसे सिटी में आपके इंडिया के जीके के क्वेश्चंस भी आएंगे लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है आपको बताना है इंपॉर्टेंट प्रश्न है तो लोकटक झील तो भारत के हम बात करेंगे मणिपुर में है मणिपुर में लोकटक झील हो जाएगी ऑप्शन ब सही उत्तर होगा अगला है कि अभिलेख जो प्राचीन राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है ऐसा कौन सा अभिलेख है जो राजस्थान में भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि करता है आपको बताना है तो गोसुंडी अभिलेख हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही होगा गोसुंडी अभिलेख ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है कि बादला नामक पानी का बर्तन कहां का प्रसिद्ध है बादला एक पानी का बर्तन है ये जो बादला नामक पानी का बर्तन है ये प्रसिद्ध कहाँ का है यह जोधपुर का प्रसिद्ध है जोधपुर जिसे हम सन सिटी कहते हैं जहाँ का हम बात करें सन सिटी जोधपुर कहलाती है जोधपुर के बारे में बात करें चौदह में राव जोधा ने जोधपुर शहर बसाया था मेहरानगढ़ दुर्ग चिड़िया की पहाड़ी पर आपको यहाँ देखने को मिलेगा राव जोधा ने चौदह में जोधपुर बसाया था इंपोर्टेंट प्रश्न है आपको ध्यान रखना है मारवाड़ महोत्सव कहाँ का प्रसिद्ध है जोधपुर का ही मारवाड़ महोत्सव प्रसिद्ध है तो ऑप्शन द हमारा सही हो जाएगा जोधपुर किस लोक देवता की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है आपको बताना है इसमें से कौन सा लोक देवता है जिसकी हम पूजा गायों के रक्षक गोरक्षक के रूप में करते हैं तो पापू की पूजा गोरक्षक के रूप में की जाती है किनकी की जाती है पाबूजी की की जाती है ऑप्शन साबू पाबूजी हमारा सही उत्तर हो जाएगा पाबूजी के बारे में हमारी ट्रिक थी कि पाबूजी के बाबूजी जी धांधली कम और प्यार ज़्यादा करते हैं पाबूजी के बाबूजी जी धांधली कम और प्यार ज़्यादा करते हैं तो राजस्थान के लोक देवता अगर आपको पढ़ने हैं डेनर क्लासेज यूट्यूब चैनल पर शानदार ट्रिक के साथ आपको मिल जाएंगे ऑप्शन स इसमें हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सही उत्तर होगा आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न देखते हैं राजस्थान में सीसे की सबसे बड़ी खान कहां है आपको बताना है कि राजस्थान में सीसे की सबसे बड़ी खान कहां पर है तो दोस्तों हम राजस्थान में सीसे की सबसे बड़ी खान की बात करेंगे तो जावर उदयपुर में राजस्थान में सीसे की सबसे बड़ी खान है ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा जावर उदयपुर में शीशे की सबसे बड़ी कहान है अगला है चंपाकली आभूषण पहना जाता है चंपाकली आभूषण कहां पहना जाता है आपको बताना है तो चंपाकली आभूषण की हम बात करेंगे चंपा कली आभूषण तो गले में पहना जाता है चंपा कली आभूषण गले में पहना जाता है अगला प्रश्न है कि राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र कौन सा है चार ऑप्शन दे रखे हैं आपको बताना है राजस्थान में सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र कौन सा है तो हम बात करेंगे राजस्थान में हाड़ौती का पठार है ये हाड़ोती के पठार की बात करेंगे कोटा संभाग कोटा बूंदी झालावाड़ बारा ये वाला क्षेत्र ये हाड़ोती कहलाता है ये सर्वाधिक नदियों वाला क्षेत्र है आपको ध्यान रखना है देखो हम बात करें आपसे पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है झालावाड़ राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला ज़िला है जो राजस्थान का नागपुर भी कहलाता है जहाँ सर्वाधिक हम बात करेंगे संतरे भी होते हैं पूछा जाए कि राजस्थान में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है स्थान पूछे तो माउंट आबू आपको उत्तर करना है तो ये प्रश्न कई बार पूछा गया है मोस्ट रिपीटेड है आपको ध्यान रखना है अगला प्रश्न है कि सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के किस जिले में पाई जाती हैं तो सोनाड़ी नस्ल की भेड़ें राजस्थान के उदयपुर में पाई जाती हैं जब आप राजस्थान का कंप्लीट जीके के डेनिल क्लासेस की ऐप पर जाकर देखोगे राजस्थान की पशु संपदा भी आपको वहाँ पर मिलेगी जो मैंने शानदार ट्रिक के साथ करवाई हुई है पशु संपदा भी आपको वहाँ पर मिल जाएगी अगला है कि अटपटी पगड़ी चित्रकला की किस शैली से संबंधित है तो अटपटी पगड़ी मेवाड़ चित्रकला की शैली से संबंधित है मेवाड़ चित्रकला शैली ऑप्शन फर्स्ट एक चीज़ और ध्यान रखना कि मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी है मोस्ट रिपीटेड है ध्यान रखना है अगला है कि मोहनोत्त नयसी द्वारा लिखित मारवाड्रा प्रगनारी विगत को क्या कहा जाता है तो मोहनोत्णसी द्वारा लिखित मारवाड़ा प्रगनारी विगत को हम राजस्थान का इतिहास कहा जाता है इसे राजस्थान का इतिहास कहा जाता है और हम बात करेंगे राजस्थान जीके का हमारे पास अंतिम प्रश्न है कि बम रसिया कौन से क्षेत्र का एक लोकप्रिय लोक नृत्य है बम रसिया कहाँ का लोकप्रिय लोक, लोक नृत्य है अलवर भरतपुर का है अलवर भरतपुर का बम रसिया लोकप्रिय नृत्य है अच्छा ढोल पूछा जाए तो ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है जालोर का ढोल नृत्य प्रसिद्ध है बिंदोरी पूछा जाए तो झालावाड़ का बिंदोरी प्रसिद्ध है और आपसे चंग ढप कच्ची घोड़ी गेंदड़ ये पूछे जाएँ। गेंदड़ चंग ढप कच्ची घोड़ी ये शेखावटी के प्रसिद्ध हैं शेखावटी मतलब सिक्कर चूरू झुंझुनू वाला क्षेत्र यहाँ के प्रसिद्ध हैं तो दोस्तों हमने राजस्थान जीके की बात कर ली अब हम बात करते हैं हिंदी के बारे में हिंदी के टॉप पंद्रह क्वेश्चन हम देखते हैं पहला प्रश्न समास से रेखांकित शब्द का समास विग्रह क्या है रेखांकित का समास विग्रह आपको बताना है क्या होगा रेखांकित रेखा से अंकित रेखांकित तत्पुरुष समास हो जाएगा कर्ता ने कर्म को करण से रेखा से अंकित रेखांकित करण से करण तत्पुरुष समास ऑप्शन ब हमारा इसमें सही उत्तर हो जाएगा ये जो संधि है समास है यह टॉपिक मैं आपको डेनियल क्लासेस की ऐप पर करवा चुका हूँ संधि समास पर्यावचित शब्द विलोम शब्द अनेकार्थक शब्द शब्द युगम लोकोक्ति कहावते मुहावरे ये टॉपिक आपके आ, आपको ऐप में मिल जाएंगे अल्प बचत में कौन सा समास है अल्प बचत अल्प है जिसकी बचत अल्प बचत अल्प है जिसकी बचत कर्मधारीय समास हो जाएगा अल्प है जिसकी बचत कर्मधारीय समाज इसमें हो जाएगा अगला है कि उन्मिलन का आपको विलोम शब्द बताना है उन्मिलन का विलोम क्या होगा आपको बताना है तो उन्मिलन का निमिलन हो जाएगा उन्मिलन का निमिलन हो जाएगा उन्मिलन का विलोम शब्द निमिलन हो जाएगा ऑप्शन दे हमारा सही उत्तर होगा अगला आपको शुद्ध शब्द बताना है जिसे पूजनीय शुद्ध कैसे लिखा जाएगा पूजनीय शुद्ध कैसे लिखा जाएगा तो ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा पूजनीय ऑप्शन फर्स्ट इसका सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि गदहा का पर्यावचीन नहीं है गधा का पर्यावरणित शब्द नहीं है आपको बताना है दूसर है वैशाख नंदन है चक्रीवान है हम बात करेंगे जानवी नहीं है गधा का दूसर है वैशाख नंदन है चक्रीवान है जानवी नहीं है अब आपको बताना है कि अभिज्ञ अभिज्ञ का उचित शब्द युग्म छाटना छांटना है आपको देखो अभिज्ञ का मतलब होता है जानकार अभिज्ञ जानकार और अविज्ञ होता है मूर्ख जो विज्ञ नहीं है जानकार नहीं है तो अभिज्ञ जानकार अविज्ञ हम मूर्ख को बोलते हैं तो ध्यान रखना है अभिज्ञ का मतलब जानकार अविज्ञ का मतलब मूर्ख होता है देखो तो जो शब्द युगम वाला टॉपिक है शब्द शुद्धि वाला टॉपिक शब्दयुगम वाला टॉपिक लिख लिख कर जब आप इनकी प्रैक्टिस करोगे तभी आप अच्छे से सीख पाओगे वरना इन टॉपिक्स में समस्या ही रहती है दिक्कत ही रहती है जैसे शब्द है परीक्षा ई की बड़ी मात्रा है परीक्षा बड़ी मात्रा है तो ये हमारे जाँच हो गया इम्तिहान हो गया जो परीक्षा हम देते हैं उसको बोलते हैं परीक्षा छोटी मात्रा आ गई तो हम यहाँ परीक्षा कीचड़ को बोलते हैं तो एक माइनर सी मिस्टेक अगर आपने कर दी पूरा क्वेश्चन आपके गलत हो जाएगा इनको आपको लिख लिख कर अच्छे से प्रैक्टिस करनी पड़ेगी तभी आप इनको अच्छे से सीख पाओगे अगला है तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है तैराक में कौन सा प्रत्यय है तैराक यहाँ पे तो आक प्रत्यय लगा हुआ है तैराक में तो आक प्रत्यय लगा हुआ है तैराक शब्द में कौन सा प्रत्यय है तैराक शब्द में तो आक प्रत्यय लगा हुआ है ऑप्शन ब आक प्रत्यय तैराक में लगा हुआ है ऐसे पूछा है कि राजश्री शब्द में कौन सी संधि है राजश्री शब्द में कौन सी संधि है ए आ के बाद में अगर ई ई आए तो ए ऊ उ उ आए तो ओ और री आए तो अर हो जाता है हम बात कर रहे हैं गुण स्वर संधि की राज प्लस ऋषि बराबर राजऋषि हो जाता है ए आ के बाद में ई आए तो ए आए तो ओ और री आए तो अर हो जाता है तो राज प्लस ऋषि से राजऋषि बन गया गुण संधि ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता वाक्यांश के लिए एक शब्द है हिंदी के वन वर्ड आपको बताने हैं जिसका वर्णन नहीं हो सकता वाक्यांश के लिए एक शब्द है जिसका वर्णन नहीं हो सकता ए कहलाता है ऑप्शन फर्स्ट उसे हम ए कहते हैं ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा अगला एक मुहावरे से हैं आपकी अक्ल पर पत्थर पड़ना मुहावरे का अर्थ है अक्ल पर पत्थर पड़ना बुद्धि भ्रष्ट हो जाना उसकी तो अक्ल पर पत्थर पड़ चुके हैं उसको अगर सही बात भी हम बताने जाते हैं उसको गलत ही लगती है उसके समझ में नहीं आती है उसकी अक्ल पर पत्थर पड़ चुके हैं उसकी तो बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है वृत्ति की दृष्टि से कौन सा शब्द सही है ज्योत्सना किस तरह से लिखा जाएगा ज्योत्सना मतलब चांदनी रात किस तरह से हम लिखेंगे तो इसमें ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा ज्योत्सना ऑप्शन फर्स्ट सही हो जाएगा ज्योत्सना शुद्ध लिखा हुआ ऑप्शन फर्स्ट हमारे इसमें सही आंसर सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि निर्मय से समास का उदाहरण है दिग्गु समाज का उदाहरण कौन सा है दिग्गु समास का मतलब जहां पे संख्या संख्यावाचक वा, शब्द जहां पे हमको देखने को मिलेंगे संख्यावाचक शब्द देखने को मिलेंगे पहला है कि तिरंगा तिरंगा बिल्कुल हो सकता है दिग्गु समास का लेकिन तिरंगा के हम बात करेंगे यहां पे तीसरा अर्थ भी निकल रहा है वैसे तिरंगा तीन रंगों का समूह तिरंगा हो गया लेकिन यहाँ पे तीसरा भी अर्थ निकल रहा है यहाँ पे भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की बात हो रही है तो बहुबरी समाज में चला जाएगा एक दंत तीसरा अर्थ निकल रहा है यहाँ पे गणेश जी की बात हो रही है एक दंत गणेश जी को बोलते हैं ऐसे दशानन दे रखा है दशानन दश है आनन जिसके बहुव्रीहि समास की बात हो रही है रावण के बारे में बात हो रही है बहुव्रीहि समास त्रिभुवन त्रिभुवन में दिग्गु समास हो जाएगा त्रिभुवन ऑप्शन स इसका सही उत्तर हो जाएगा त्रिभुवन सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है मीनाक्षी मीन प्लस अक्षी मीनाक्षी मछली जैसी आंखों वाली दुर्गा की यहाँ बात हो रही है तो हम बात करेंगे ऑप्शन द दुर्गा यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा मीनाक्षी हम दुर्गा को बोलते हैं संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है संस्कार शब्द में कौन से उपसर्ग का प्रयोग हुआ आपको बताना है संस्कार सम से संस्कार शब्द बना है ऑप्शन ब सम यहाँ पे उपसर्ग का प्रयोग हुआ है कौन सा उपसर्ग है सम उपसर्ग यहाँ पर हो जाएगा अगला है कि सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ है देखो मुहावरे लोकोक्तियाँ कई स्टूडेंट क्या गलती करते हैं यार मुहावरे लोकोक्तियाँ ही तो हैं ऐसे ही सही हो जाएंगे मुहावरे लोकोक्तियों का क्या पढ़ना देखो मैं बोलूँगा एक बार इनको आप पढ़ के जाओ अच्छे से देख के जाओ जब तक अच्छे से पढ़ कर देख कर नहीं जाओगे तब तक आपके समस्या आएगी तो एक बार इनको अच्छे से पढ़ कर देख कर जरूर जाना सोने में सुगंध मुहावरे का सही अर्थ होगा कि सुंदर वस्तु में और गुण होना सुंदर वस्तु में और गुण होना सोने में सुगंध सुंदर वस्तु में और गुण होना ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा नाने के लिए आरोहण का विलोम शब्द बताना है आरोहण का विलोम शब्द क्या होगा आरोहण का विलोम शब्द अवरोहण हो जाएगा आरोहण अवरोहण आरोहण अवरोहण हो जाएगा तो दोस्तों हमने राजस्थान जी के टॉप पंद्रह क्वेश्चन देखे हिंदी के टॉप पंद्रह क्वेश्चन देख लिए अब इंग्लिश के क्वेश्चन हम देखेंगे इंग्लिश के टॉप पंद्रह क्वेश्चन हम देखते हैं पहला प्रश्न है कि आई एम डैश मूवी क्या आएगा लुकिंग सीइंग नोटिसिंग क्या आएगा आई एम वॉचिंग मूवी होगा हम क्या करते हैं हम टीवी वॉच करते हैं मूवी वॉच करते हैं तो आई एम वॉचिंग मूवी यहां पर हमारा सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ आई एम वॉचिंग मूवी होगा सीइंग नहीं होगा वॉचिंग होगा अगला है कि ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी यहां पे वन वर्ड आपसे पूछा है कि ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी को क्या बोलेंगे इसे हम एल्यूमनस बोलेंगे ऑप्शन तीसरा हो जाएगा सही एल्यूमेनेस बोला जाएगा ऑप्शन तीसरा एल्यूमेनेस उसे बोलेंगे भूतपूर्व छात्र जिसे हम बोलते हैं अगला आपको बताना है कि इसमें हम क्या फिल इन द ब्लैंक में क्या सही होगा नीदर हिज सिस्टर नोर हिज फ्रेंड डैश अलाइव न तो उसकी सिस्टर न उसका फ्रेंड जिंदा बचा है अलाइव है क्या आएगा यहाँ पे तो नीदर हिज सिस्टर नोर हिज फ्रेंड इज अलाइव होगा नीदर ही सिस्टर नोर हिज फ्रेंड इज अलाइव यहां पर सही हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट यहां पे सही उत्तर होगा अगला है वन हु हुजेंट फॉलो द यूजल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ इज कोल्ड वन हु हुजेंट फॉलो द यूजल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ रूढ़ी मुक्त व्यक्ति जिसे हम बोलते हैं बोहेमिन कहलाता है ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर हो जाएगा उसे हम बोहेमिन कहते हैं ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही आंसर हो जाएगा अगला आपको बताना है एंटोनियम बताना है अरबेन का एंटोनियम बताना है अरबेन हम बोलते हैं शिष्ट सभ्य व्यवहार वाले व्यक्ति को बोलते हैं तो इसका आपको एंटोनियम बताना है तो हम बोलेंगे रूड इसका एंटोनियम हो जाएगा अरबेन का रूड हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हमारा सही आंसर हो जाएगा माई फादर इज डैश ब्रदर ऑफ माई अंकल माई फादर इज एल्डर ब्रदर ऑफ माई अंकल माई फादर इज एल्डर यहां पे सही हो जाएगा माई फादर इज एल्डर ब्रदर ऑफ माई अंकल ऑप्शन फर्स्ट सही उत्तर होगा अगला है कि पेट्रोल इज सोल्ड डैश द दे लीटर पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर सही होगा पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर क्या होगा पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर ऑप्शन तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा पेट्रोल इज सोल्ड बाय द लीटर अगला इडियम फ्रेजेस से हैं ग्रीन आइडमैन मींस क्या होगा ग्रीन आइडमैन ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति जलने वाला व्यक्ति ग्रीन आइडमेन को हम बोलेंगे जलने वाला ईर्ष्या करने वाला जेलस जिसे हम बोलते हैं ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा ग्रीन आइडमेन है जलता है ईर्ष्या करने वाला व्यक्ति है जेलस उसे हम बोल देंगे ऑप्शन दूसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा चूज द एंटोनेम ऑफ एपेरेंट एपेरेंट का मतलब होता है प्रकट होना आपको बताना है इसका एंटोनेम आपको बताना है कि अपेरेंट का मतलब प्रकट होना हो गया तो हम बात करेंगे हिडन इसका एंटोनियम हो जाएगा विलोम शब्द पूछा है अपेरेंट प्रकट होना हिडन छिप जाना हिडन ऑप्शन तीसरा हमारा सही उत्तर हो जाएगा यूज सफिक्स विद डेकोर डेकोरेशन हो जाएगा सफिक्स प्रीफिक्स पहले लगता है सफिक्स बाद में लगता है तो डेकोर से डेकोरेशन शब्द बन जाएगा तो ऑप्शन फर्स्ट डेकोर डेकोरेशन ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा सर्वाइवल चूज अपोजिट सर्वाइवल करना जीवित रहना बचाए रखना सर्वाइवल करना बोल रहे बोलते हैं ना कि वो तो सर्वाइवल कर रहा है जंगलों में भटक रहा है सर्वाइवल कर रहा है तो सर्वाइवल का मतलब हो जाता है जीवित रहना बचाए रखना इसको हम एंटोनेम की बात करेंगे अपोजिट की बात करेंगे तो एक्सटेंशन इसका इंटोनेम हो जाएगा एक्सटेंशन का मतलब होता है विलुप्त हो जाना ऑप्शन फोर्थ एक्सटेंशन हो जाएगा विलुप्त हो जाना सर्वाइवल का एक्सटेंशन हो जाएगा ऑप्शन फोर्थ हमारा सही उत्तर होगा अब कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन हम कवर करेंगे कुछ करंट अफेयर के क्वेश्चन अब हम, हम देखेंगे पहला है कि 48वीं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान की किस टीम ने कौन सा पदक जीता राजस्थान की टीम ने 48वीं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता आपको बताना है तो राजस्थान ने यहां पे स्वर्ण पदक जीता है गोल्ड मेडल जीता है अड़तालीसवीं पुरुष कबड्डी चैंपियनशिप में राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता है इंपॉर्टेंट प्रश्न है एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है अच्छे से ध्यान रखना है ऑप्शन स हमारा सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान ने गोल्ड मेडल जीता है अगला है कि चार से सात दिसंबर दो को जी ट्वेंटी शेरपा आयोजन राजस्थान के किस जिले में हुआ है राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर में हुआ है जी ट्वेंटी शेरपा का आयोजन राजस्थान की झीलों की नगरी उदयपुर में हुआ है और ये भी अच्छा प्रश्न है एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है जी ट्वेंटी से रिलेटेड आपके एक प्रश्न इस बार एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस हैं हो सकता है यही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाए तो अच्छा प्रश्न है इंपॉर्टेंट प्रश्न है अच्छे से आपको ध्यान रखना है अगला है कि राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है राजस्थान को राष्ट्रीय स्तर पर खनन क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार मिला है राजस्थान को यहां पे दूसरा पुरस्कार मिला है राजस्थान को खनन क्षेत्र में दूसरा पुरस्कार मिला है ऑप्शन बे हमारा सही उत्तर होगा अगला है कि हाल ही में किसने हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है हाल ही में हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री कौन बन गए हैं सुखविंदर सिंह सिखू बन गए हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर होगा कांग्रेस नेता सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला के ऐतिहासिक मैदान में हिमाचल प्रदेश के पंद्रहें मुख्यमंत्री के तौर पर गोपनीयता पद व गोपनीयता की शपथ ली है तो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बन गए हैं ऑप्शन ब हमारा सही उत्तर हो जाएगा अगला है कि भारत के सतरवे ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं भारत के सतरवे ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं आपको बताना है तो ऑप्शन हमारा ब सही हो जाएगा आदित्य मित्तल भारत के सतत्तरवे ग्रैंड मास्टर बन गए हैं कौन बन गए हैं आदित्य मित्तल बन गए हैं जो भारत के सतहत्तरवें ग्रैंड मास्टर बने हैं ऑप्शन है। सेकंड आदित्य मित्तल हमारा यहां पे सही उत्तर हो जाएगा अगला प्रश्न है दीना बोलू आटे किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है आपको बताना है जो दीना बोलू आटे हैं वो किस देश की फर्स्ट महिला प्रेसिडेंट पहली महिला राष्ट्रपति बन गई हैं तो हम बात करेंगे पेरू की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है दीना बोलूआटे पेरू देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है देखो ये पहली महिला राष्ट्रपति बनी है इसलिए प्रश्न काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम में बनने वाला प्रश्न हो जाता है क्योंकि ये जो फर्स्ट वाले इस तरह के क्वेश्चंस होते हैं एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं काफ़ी इस तरह के प्रश्न बनते हैं तो आपको ध्यान देना है पेरू की ये बन गई हैं अगला है कि टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है टाइम मैगजीन ने पर्सन ऑफ द ईयर 2022 किसे चुना है आपको बताना है तो हम बात करेंगे वल्दि जेलेंस्की को चुना है किसे चुना है वदि जेलेंस्की को चुना है अब आप सबको कमेंट बॉक्स में उत्तर देना है कमेंट बॉक्स में आंसर देना है कि जो वलिदि जेलेंस्की हैं ये कौन हैं ये किसी देश के प्रधानमंत्री हैं राष्ट्रपति हैं कौन हैं सभी को कमेंट बॉक्स में उत्तर जरूर देना है क्योंकि ये प्रश्न काफ़ी इंपोर्टेंट एग्जाम में बनने वाला प्रश्न है वोलिडिमेड जेलेंस की किस देश के प्रधानमंत्री हैं मुख्यमंत्री हैं राष्ट्रपति हैं आपको कमेंट बॉक्स में सभी को इसका आंसर देना है काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है अभी काफ़ी समय से ये चर्चा में भी चल रहे हैं तो सभी कमेंट बॉक्स में जरूर इसका कमेंट करेंगे और अंतिम प्रश्न है हमारे पास कि हाल ही में आरबीआई द्वारा किस देश के साथ करेंसी स्वेप एग्रीमेंट किया है आर ने किस देश के साथ करेंसी स्वेप एग्रीमेंट किया है मालदीव के साथ किया है किस देश के साथ किया है मालदीव के साथ किया है ऑप्शन फर्स्ट हमारा सही उत्तर होगा मालदीव इसका सही उत्तर हो जाएगा तो दोस्तों सी क्लास तो हमारी 16 हो चुकी है जो सी टी टेन प्लस टू और ग्रेजुएशन के लिए रामबाण क्लास रहेगी अच्छे अच्छे क्वेश्चन हमने कवर किए हैं और जल्द ही आपकी सी की मैराथन क्लास भी आपको देखने को मिलेगी जो सी टी टेन प्लस टू और सी टी ग्रेजुएशन के टॉप पंद्रह पेपर मॉडल पेपर सोल्व करना चाहते हैं जहाँ आपको हिंदी इंग्लिश जी के लेटेस्ट करंट अफेयर रीजनिंग मैथ सारे सब कुछ टॉप पंद्रह पेपर मिलेंगे एग्जाम लेवल के अकॉर्डिंग जहां आपको सारा सब कुछ मिलेगा प्ले स्टोर से डेनियल क्लासेज की ऐप डाउनलोड करें वहां पे आपको टेन प्लस टू ग्रेजुएशन दोनों के टॉप पंद्रह पेपर मिलेंगे दी बेस्ट आपकी तैयारी होगी दी बेस्ट आपको वहां पे पेपर मिलेंगे तो जल्द परचेज कर लें फिफ्टी परसेंट डिस्काउंट में आपको सारा सब कुछ दिया जा रहा है दोस्तों वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कर देना है लाइक करना है अगर आप डेली क्लास या यूट्यूब चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस कर लेना ताकि कोई भी न्यू अपडेट आए वो आपको तुरंत मिल जाए धन्यवाद